घर के दिन तेरे हवाले। अच्छा आगुजान, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है हिलाल पाशा, मगर बेटा सुनो, तुमने स्वेटर नहीं पहना? स्वेटर? आगुजान वो तो मैंने सारे फेंक दिए ना, पुराने हो गए थे, वो याद है वो ब्राउन वाला, वो इतना खराब हो गया था मैंने दे दिया किसी को। है? मगर इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर बना रही हूँ, तुम पहनोगे ना? आगुजान आपके स्वेटरों की वजह से सब दफ्तर में मेरा मजाक उड़ाते और सब खान साहब कह के पुकारते मुझे। ठीक है। अरे जिस दिन मैं तुम्हारे अब्बा जान के पास चली जाऊंगी तब तुम लोग मेरे फन पारे याद कर कर के रोया करोगे कि कैसे हमारी आगुजान हमारे लिए स्वेटर और चुराबे बनाया करती। अरे आगुजान आप तो बात बात में जज्बाती हो जाती है। अच्छा जब रात को आऊंगा ना तो पहन के सो जाऊंगा बस। आगुजान आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपका हिलाल पाशा है ना, आप बनाए मैं सब कुछ मैं पहनूंगा, आप बनाए। हाँ तुम पहन लो, गर्मी दाने निकलेंगे। हया हया। जी पाशा साहब। भाई उम्मीद को उठाओ, कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए उसे। वो तो चली गई है ऑफिस। कब की? ऑफिस चलेगी सुबह सुबह। उम्मीद इतनी सुबह उठ गई? मतलब तुम कह रही हो कि वो सुबह उठ गई और ऑफिस भी चली गई? जी बाबा। मुझे तो लग रहा है उम्मीद ऑफिस कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है। यू ऑल्सो सीरियस इन लाइफ ओके? क्या मैं यूनिवर्सिटी 6 बजे चल जाऊं? ना। तुम उम्मीद की बात ही कर रहे हो ना? जी मुझे 6 बजे जगाने आई थी। पता नहीं इस बच्ची की ना हिमाकत है, मेरी तो समझ में नहीं आती। लेकिन बहू सुबह सवेरे जल्दी उठना तो अच्छी आदत है ना? आगुजान सुबह सवेरे और इतनी सुबह सवेरे, मैं उम्मीद को खुद फोन करके बताऊं। बैठो आराम से, मैं समझाता हूँ। बस बच्ची अगर कुछ जिंदगी में सीखना चाह रही है तो सीखने दो उसे। आया जाके मेरा बैग लेकर आओ। जी अच्छा। इनकलाबे फ्रांस का तो सुना था, इनकलाबे पाशा बरादरान लाइव देख लिया। कुछ कहा? नहीं नहीं पाशा, मैं तो बस सफाई कर रही।